हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विजय। वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्रॉफर्ड मार्केट शॉपिंग फिर से, क्योंकि लिए शॉपिंग मुझे करनी थी स्टेशनरी की, तो मैंने स्टेशनरी की भी शॉपिंग की है स्पेशली। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ एक्चुअली शॉपिंग स्टेशनरी के लिए, क्योंकि ये आपको पता है कि मैं स्टेशनरी मुझे कितनी पसंद है, और ऑब्वियसली आपको भी स्टेशनरी काफ़ी पसंद है। और सबसे ज़्यादा तब अच्छा लगता है जब वो बजट में हो, और ऑनलाइन जैसे कि हम देखते हैं बहुत कॉस्टली, तो बस ऑनलाइन को थोड़ी बहुत टक्कर देते हुए मैंने शॉपिंग लाई है कि आपको भी वो बजट में काफ़ी किफ़ायती हो। और अगर आपको ऑर्डर करनी है वो स्टेशनरी, तो आप मुझसे कमेंट्स थ्रू बात कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए पहले बताती हूँ कि क्रॉफर्ड मार्केट से मैंने कुछ घर के लिए चीज़ें खरीदी हैं और खुद अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदी हैं। तो वो मैंने क्या खरीदी है ये देखते हैं अभी। तो सबसे पहले आपको जैसे दिखाई दे रहा है एवर रेडी के सेल, तो आप बोलेंगे ये सेल तो हमें कहीं भी मिल सकते हैं, इसमें नई बात क्या है। नई बात ये है कि डीमार्ट में भी हमें ये रिजनेबल रेट में मिलते हैं। हालांकि रिटेलर शॉप जो होते हैं वो हमें एज इट इज़ जो इसकी जो प्राइस होती है, जैसे कि 13 रुपीज़ का एक सेल होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये पैक अगर हम 10 पैक लेते हैं तो 130 ऑब्वियसली वो हमसे लेता है। लेकिन क्रॉफर्ड मार्केट से मैंने इसे सिर्फ ये 10 सेल को, ये जो मेरे रिमोट की सेल है, इसे मैंने सिर्फ 9090 रुपीज़ में ख़रीदे हैं। यस गाइस, ये 90 रुपीज़ के हैं, तो ये ऑब्वियसली मेरे 40 रुपीज़ बच गए, यहाँ मेरी सेविंग हो चुकी है इस चीज़ के लिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट चीज़ मैंने क्या ख़रीदी है। नेक्स्ट ये है चीज़, आप कह रहे हैं कि ये क्या रेनकोट है क्या? नहीं नहीं, ये रेनकोट नहीं है, लेकिन ये मॉनसून के लिए एक स्पेशली चीज़ है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एग्जैक्टली क्या है, मैं इसे आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये एक्चुअली बैग का कवर है जो मॉनसून में हमारे बैग को भीगने से बचाता है। और पहले मैं आपको इसका डेमो बताती हूँ कि ये कैसा है। ये 2 पीस है जिसे मैंने ख़रीदा है ओनली ₹50। यस, शॉकिंग ना, क्रॉफर्ड मार्केट में सब पॉसिबल है चीज़ें। और ये इस तरह से है, ये आपके बड़े बैग्स को भी, छोटे बैग्स को भी, साइज़ जैसे आपके बैग्स का होगा उस तरह से आप इस के थ्रू आप बड़ा छोटा साइज़ कर सकते हैं बैग के कवर का। और ये बहुत ही आसानी से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये एक पाउच, इसके साथ ये पाउच आता है, तो ये मुझे ये मुझे 50 रुपीज़ में मिला था 1 पीस। ऐसे मैंने 2 पीस खरीदे क्योंकि मेरे 2 बैग्स हैं। तो ये स्पेशली मैंने मॉनसून के लिए ही नहीं ख़रीदा है, ये मल्टीपल यूज़ है, क्योंकि ये जो मल्टीपल चीज़ें यूज़ होती है वो मैं पहले ही ख़रीदती हूँ। तो मल्टीपल यूज़ इसका ये है कि इसे हम सिर्फ मॉनसून में नहीं, अगर हम बैग को अगर हमारी न्यू बैग्स है तो उसके अंदर डस्ट ना लगे, क्योंकि अगर आप ऐसी ही कबर्ड में भी रख देते तो डस्ट लगने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। ज़्यादातर चांसेस हमारे लाइट बैग्स जो होते हैं वो जल्दी मैला हो जाते हैं, तो ये उस पर कवर अप करके इसे अच्छी तरह से स्टोर करने का काम भी करता है। तो आइए मैं बताती हूँ इसे कैसे स्टोर कैसे लगाते हैं बैग को। ये तो सभी को पता है, लेकिन फिर भी एक ये मेरी बैग है स्पेशली, आई लव दिस। और क्या है, मेरी बैग लेदर की है तो बारिश में भीगने के चांसेस बहुत होते हैं, तो इसे इस तरह से पैक करना है और बस बारिश का पानी इस पर गिरता रहेगा और हमारी बैग फुल्ली सेफ रहेगी। इसकी साइज़ आप छोटी बड़ी कर सकते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ दैट, और आसानी से हम इसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये बेस्ट मॉनसून के लिए स्पेशली है, बट आप इसका मल्टीपल यूज़ साल में कभी भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़, अब मॉनसून का मौसम है, तो ऑब्वियसली मॉनसून में जो ये सबसे ज़्यादा हमें काम आते हैं, क्योंकि लिए सॉक्स इतनी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि सब सैंडल ही यूज़ करते, अभी फॉर्मल जॉब करने वाले को तो शूज़ पहनना ही पड़ता है, तो सॉक्स तो ऑब्वियसली उनके होते हैं। तो ये स्पेशली मैंने अपने हबी के लिए लिया है, और इसमें से कुछ एक दो मेरे हैं था तो इसे मैंने ख़रीदा है। ये 3 पीसेस हैं और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सॉक्स है, ऐसे नहीं है कि हल्के पुलके हैं, तो इट्स M करके कुछ क्वालिटी है।
तो ये मैंने तीन सॉक्स ख़रीदे हैं ओनली रुपीज़ 100, और ये तीन पीस भी मैंने ख़रीदे हैं ओनली रुपीज़ 100। क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऐसे नहीं कि पतले हैं और ये हैं। और यही अगर आप यहाँ अदर शॉप्स में अगर ख़रीदते हैं तो ज़रूर आपको 120 या 150 तो वो आपको बोलेंगे, लेकिन 120 तक आपको वो दे देंगे। तो यहाँ भी मेरा सेविंग बजट पैसे सेव हो रहे हैं, तो इसलिए मैं क्रॉफर्ड मार्केट जाती हूँ। और नेक्स्ट चीज़ ख़रीदी है मैंने ये वाइन शिम, और ये विन शिम एक्चुअली सॉरी वाइन नहीं विन शिम है, ये घर पे यू विंडोज़ पे टंगा होता है, और ये मैंने ख़रीदा है ओनली रुपीज़ 200। यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप क्रॉफर्ड मार्केट की मैं बात नहीं करूँ, अगर आप अदर कहीं और जगह जाते हैं ना तो ये आपको ज़रूर 250 फिक्स आपको 250 में देंगे, कम नहीं। और ये बड़ी साइज़ है ना कि छोटी साइज़ है, लाइक पेरिस मेरा फेवरेट है, और ऑब्वियसली जब मैंने देखा तो आई जस्ट लव दिस, और इसे मैं अपने विंडो पे टंगाऊंगी। और मुझे इसकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है गाइज, आई लव दिस। और मुझे कब से लेना था और उसने ये 350 किया था, ऑब्वियसली बार्गेनिंग, क्रॉफर्ड मार्केट जाएंगे तो बार्गेनिंग आपको डेफिनेटली करनी है। अगर आप बार्गेनिंग नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको सेविंग नहीं, आपकी बजट सेविंग बजट नहीं होगा। और ये मुझे सिर्फ 200 में मिला गाइज, आई लव दिस। और यहाँ पे छोटू सा नीचे पेरिस है आईफिल टावर, सो आई लव दिस। द नेक्स्ट थिंग इज सन ग्लासेस। भाई अगर मानसून भी आया है तो भी सन इतना भी इतनी भी बारिश नहीं गिर रही है, और यहाँ पे आप लोगो देख रहे हैं रेबेन का लोगो है, बट ये ओरिजिनल नहीं है गाइस। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये रेबेन का नहीं है एक्चुअली, मैंने बस ऐसे ही कवर ली थी बिकॉज मेरे काफ़ी सारे सनग्लासेस है, जिसका आई थिंक सो मुझे आपको ऑब्वियसली वीडियो दिखाना चाहिए कि कैसे कैसे पैटर्न के हैं। तो मुझे ये सिर्फ कवर चाहिए था, आई लव दिस कवर, और ये मैंने सिर्फ 50 रुपीज़ में ख़रीदा है क्रॉफर्ड मार्केट से, और इसके अंदर कुछ इस तरह से है। और जो स्पेक्स मेरे हबी ने ख़रीदे हैं ये इन्होंने अदर मार्केट में पूछा था, लाइक क्रोकोडाइल्स का शेप यहाँ पे दिया है, तो ये जो शेप्स और शेड्स उन्होंने पूछे थे तो उनको 250 से कम नहीं करके दे रहे थे, लेकिन क्रॉफर्ड मार्केट ये सिर्फ 100 रुपीज़। आप कोई भी लीजिए, वहाँ पे रेबेन की भी आपको कॉपी मिल जाएगी, तो क्यों हमें ज़्यादा कॉस्टली पैसे दे के यू नो स्पेक्स ख़रीदने चाहिए, अगर वहाँ पे इतने सस्ते और क्वालिटी आप देख सकते हैं, क्वालिटी गुड, काफ़ी लोग वहाँ पे ख़रीदी करते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ हम मिडिल क्लास ही रहते हैं, वहाँ पे काफ़ी रिचर्स भी ऐसी सब चीज़ें खरीदी करते हैं गाइस। सो आई थिंक सो आपको भी डेफिनेटली वहाँ जाना चाहिए। सो नेक्स्ट थिंग इज़ मेरे मोबाइल का बैक कवर, एक्चुअली कवर बहुत ही ख़राब हो गया था, लेकिन मैंने बोरिवली में पूछा था सिंपल कवर, 100 रुपीज़ बोला था, 100 या 120 बोला था, क्योंकि ये थोड़ा सा ग्लॉसी टाइप है, नॉट अ प्लेन नहीं है, तो 120 उन्होंने कुछ बोला था। देखिए आप दिख रहा है आपको थोड़ा सा मैटिक ग्लॉसी, तो ये उन्होंने कहा था 120, तो मैंने बस देख लिया, तो ये उन्होंने मुझे 80 रुपीज़ में दिया है क्रॉफर्ड मार्केट में, तो मेरे 20 रुपीज़ सेविंग हो गए, रियली नाइस। ऐसी अगर आपको क्रॉफर्ड मार्केट से कुछ चीज़ें ख़रीदनी है तो लिस्ट बना लीजिए, और अगर आप यहाँ पे देखते हैं बार्गेनिंग करते हैं फिर भी चीज़ें कम नहीं होती, तो आप एक बार ट्राई कीजिए, लिस्ट बनाइए और कंपैरिजन कीजिए और अपने बजट को सेव कीजिए क्रॉफर्ड मार्केट जाके। द नेक्स्ट इज़ ये है एक फेरी लाइट जो मैंने अपने ऑब्वियसली वीडियो के शूट्स के लिए ही ख़रीदी है, और क्योंकि ये प्लगिंग वाली नहीं है, सेल पे है, तो आई एम रियली लाइक इट। देखिए और ये 10 मीटर्स लंबा है उन्होंने साइज़ किया, मैंने इसे अभी तक ओपन नहीं किया है, आपको दिखाने के लिए ही रखा है। रात में बहुत ही क्यूट लगती है, विथ सेल उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ में दी है, और अगर आप यहाँ पर शॉप करेंगे, यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर पूछा था तो उन्होंने मुझे 190-180 ये प्राइस बोला था, तो बेस्ट है यार, मेरे 80 रुपये है, तो आप देख सकते हैं कि मेरा कितना बजट सेव हो रहा है। आइए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ है ये, मॉनसून आ चुका है भाई, और मॉनसून के चप्पल सैंडल्स ना ले तो क्या मज़ा है।
तो ये मैंने सैंडल्स लिए हैं मेरे स्पेशली मॉनसून के लिए. एंड आई लव दिस कलर यार गाइस, दिस इज़ अ सो मच ब्यूटीफुल कलर. और मेरा फेवरेट स्माइल टैग इस पे है, तो मैं ऑब्वियसली इसे ख़रीदना चाहती थी. और ये बहुत ही क्यूट लगते हैं, और ये मुझे मिले हैं सिर्फ 200, वो लोग 250 ही फिक्स लेके बैठे थे क्रॉफोर्ड मार्केट. लेकिन मैंने और दो तीन शॉप में ट्राई किया तो उन्होंने मुझे 200 में दे दिया. एंड आई जस्ट लव सेविंग सो. और जब बजट में हमें जो क्वालिटी चाहिए, जो हमें चीज़ें मिलती है, तो क्यों ना हम थोड़ी दूर जाके ख़रीदी कर सकते, हमारे पैसे काफ़ी बच जाते. सो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताना. सब्सक्राइब माई चैनल्स, मेरे आने वाले नए वीडियो अगर आपको देखने हैं तो नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा. और नाउ लेट्स से कल यू नाउ गाइस, बाय बाय.